प्रारंभिक समय माप प्राकृतिक दुनिया के चक्रों का अवलोकन था, जिसमें कैलेंडर बनाने के लिए दिन से रात और मौसम से मौसम में परिवर्तन के पैटर्न का उपयोग किया जाता था। अधिक सटीक टाइम कीपिंग जैसे सन डायल और यांत्रिक घड़ियां अंततः अधिक सुविधाजनक बक्से में समय लगाने के लिए साथ आईं। लेकिन हम वास्तव में क्या माप रहे हैं? क्या समय कुछ ऐसा है जो भौतिक रूप से मौजूद है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग में है? पहले तो उत्तर स्पष्ट प्रतीत होता है, बेशक समय मौजूद है, ये लगातार हमारे चारों ओर प्रकट होता है और इसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना कठिन है। लेकिन आइंस्टाइन के कारण समय की हमारी समझ जटिल होने लगी। सापेक्षता का उनका सिद्धांत हमें बताता है कि समय हर किसी के लिए गुजरता है, लेकिन विभिन्न स्थितियों में लोगों के लिए हमेशा एक ही दर से नहीं गुजरता। जैसे कि प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले या एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले। आइंस्टाइन ने अंतरिक्ष समय को परिभाषित करने के लिए अंतरिक्ष के साथ संयोजन करके समय के लचीलेपन को हल किया, जो झुक सकता है लेकिन सुसंगत पूर्वानुमेय तरीके से व्यवहार करता है। आइंस्टाइन का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि समय ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल हल नहीं हुआ। हम अंतरिक्ष के माध्यम से किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समय के माध्यम से केवल एक ही दिशा में क्यों? हम चाहे कुछ भी कर लें, अतीत हमेशा हठपूर्वक हमारे पीछे रहता है। इसे समय का तीर कहा जाता है। जब भोजन के रंग की एक बूंद पानी के ग्लास में डाली जाती है, तो हम सहज रूप से जानते हैं कि रंग बूंद से बाहर निकल जाएगी, अंततः ग्लास भर जाएगा। विपरीत होते हुए देखने की कल्पना करें, यहां हम समय को पीछे की ओर प्रकट होने के रूप में पहचानेंगे। हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं जहां भोजन का रंग पानी में फैलता है, न कि एक ब्रह्मांड जहां यह एक साथ इकट्ठा होता है। भौतिकी में यह ऊष्म प्रवैगिकी के दूसरे नियम द्वारा वर्णित है, जो कहता है कि सिस्टम समय के साथ विकार या एंट्रोपी प्राप्त करेगा। ब्रह्मांड में प्रणालियां क्रम से अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं, और यह ब्रह्मांड की वो संपत्ति है जो समय के तीर की दिशा को परिभाषित करती है। तो यदि समय मौलिक संपत्ति है, तो यह ब्रह्मांड का वर्णन करने वाली बुनियादी समीकरणों में होना चाहिए, है ना? वर्तमान में हमारे पास समीकरणों के दो सेट हैं, जो भौतिकी को नियंत्रित करते हैं। सामान्य सापेक्षता बहुत बड़ी चीजों के व्यवहार का वर्णन करती है, जबकि क्वांटम भौतिकी बहुत छोटी चीजों की व्याख्या करती है। पिछली आधी शताब्दी में सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक इन दोनों को एक मौलिक सर्व सिद्धांत में समेटना रहा है। कई प्रयास हुए हैं, अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, और वे समय को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। अजीब तरह से पर्याप्त है। एक दावेदार जिसे व्हीलर ड्यूइट समीकरण कहा जाता है, उसमें समय बिल्कुल शामिल नहीं है। हर चीज के सभी मौजूदा सिद्धांतों की तरह ये समीकरण भी काल्पनिक है। लेकिन एक विचार प्रयोग के रूप में, अगर ये या समान रूप से समय भुखमरी का समीकरण सही निकला, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि समय मौजूद नहीं है? सबसे मौलिक स्तर पर क्या समय किसी तरह का भ्रम हो सकता है, जो ब्रह्मांड को समझने के तरीकों की सीमाओं से उत्पन्न होता है? हम अभी तक नहीं जानते। शायद सोचने का यह गलत तरीका है। यह पूछने की बजाय कि क्या समय एक मौलिक संपत्ति के रूप में मौजूद है, शायद यह एक आकस्मिक रूप में मौजूद हो सकता है। उभरती हुई संपत्तियां ऐसी चीजें हैं जो किसी सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में मौजूद नहीं होती, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए मौजूद होती हैं। पानी के प्रत्येक अणु में ज्वार नहीं होता, लेकिन पूरे महासागर में ज्वार होता है। एक फिल्म स्थिर छवियों की एक श्रृंखला का उपयोग करके समय के माध्यम से बदलाव लाती है, जिनके बीच एक तरल निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है। छवियों को तेजी से पलटते हुए हमारा मस्तिष्क स्थिर छवियों के अनुक्रम से समय बीतने का अनुभव करता है। फिल्म का कोई भी अलग अलग फ्रेम नहीं बदलता या इसमें समय बीतता है, लेकिन ये एक ऐसी संपत्ति है जो टुकड़ों को एक साथ पिरोने के तरीके से निकलती। आंदोलन वास्तविक है, फिर भी एक भ्रम है। क्या समय की भौतिकी भी इस तरह का भ्रम हो सकती है? भौतिक विज्ञानी अभी भी इन और अन्य प्रश्नों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम पूर्ण स्पष्टीकरण से बहुत दूर हैं, कम से कम एक पल के लिए। इस वीडियो के साथ ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों पर सवाल उठाते रहें और देखें कि क्या आप इस सर को चकरा देने वाले सवाल के जवाब ढूंढ पाते हैं कि एक परमाणु कितना छोटा है।